तो भाई क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है बढ़िया भाई, जा रहा हो मस्त रहो, मौज काटो, खूब पैसे कमाओ। केवल भाई देखो कैसे हमारे नॉलेज ट्रेडिशन क्या। हाँ भाई एक बात बोलूं भाई, जो भी हमारे भाई जो भी हमारे यूजर अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई स्क्रीन पे देखो मेरा आपको टेलीग्राम चैनल लगता मतलब दिख रहा है भाई, ज्वाइन कर लो, इम्पोर्टेंट है, पैसा नहीं लगता भाई, फ्री है, ज्वाइन कर लो। यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो तो भाई देखो ज्वाइन होगा तो आपको फाइनल टीम मेरी देखने को मिलेगी, मेरा लॉस देखने को मिलेगा, मेरा प्रॉफिट मतलब प्लेयर प्रेडिक्शन जो भी होता है ऑल स्टेटस मैं अपना सारा चीज ही टेलीग्राम मैप पे शेयर करता हूँ। तो भाई ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया अपने टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। चलो अब वीडियो की बात कर ले आज के मैच के बारे में। भाई देखो बाईसवां आईपीएल मैच, भाई धीरे धीरे बाईसवां आईपीएल मैच जम आ गए, अगर आप नहीं कमा रहे तो अब से कमा लो, ठीक है, बस मेहनत करो। देखो भाई आज को किससे किससे मैच है, भाई देखो टीम किससे किसके बीच में, सीएसके वीएस केकेआर, भाई बड़ा मैच होने वाला, बड़ी टीमों का मैच है। तो भाई देखो आज की वीडियो में हम आपको क्या क्या ज्ञान देंगे, भाई देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, भाई देखो प्लेइंग इलेवन टीम न्यूज के बारे में बताऊंगा, पिच रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि आपके दिमाग में सेट कर दूंगा कि भाई इस पिच पर बल्लेबाज को मत मिला है, गेंदबाज को किसको मत मिला, आप समझ जाओगे बस टीम बनाते जाओगे। भाई इधर देखो भाई हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, भाई इससे ये आपको पता चलेगा हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड की भाई कौन सी टीम कमजोर है और कौन सी टीम मजबूत, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अब इधर देखो भाई प्लेयर प्रेडिक्शन, भाई प्लेयर प्रेडिक्शन दूंगा कि भाई किस प्लेयर के ऊपर आप 25 रन का सीजन क्या मारोगे, यस मारेगा, और किस प्लेयर के ऊपर 25 रन का सीजन नॉट मारोगे, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस फिलहाल वीडियो आप देखते जाइए और लाइक वे भी मार दीजिए भाई। अब इधर देख लीजिए किसके बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में भी हम आपको बेस्ट चॉइस बेस्ट सजेशन देने वाले, ठीक है। अब भाई देखो टॉस पैटर्न, भाई आज के सीएसके वीएसके केकेआर का कौन टॉस जीतने वाला है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलो भाई सबसे पहले जान लेते हैं किसके बारे में, सीएसके का प्लेइंग 11 जान लेते हैं, सीएसके प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। तो भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में, भाई देखो सीएसके मतलब सीएसके चेन्नई सुपर किंग प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में जान लो। भाई देखो ऋतुराज गायकवाड़, रचिंद्र रविंद्र अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, डेरी मिचेल। अभी इधर देखो भाई बॉलिंग में एम एस धोनी भाई बैट्समैन है, ठीक है, अब इसके नीचे क्या पूरे बॉलिंग है, भाई देखो मोइन अली, दीपक चाहर, टी देश पांडे, एम तिक्षा, ये हमने आपको बता दिया सीएसके प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, भाई प्लेयर के बारे में हम आपको थोड़ा नॉलेज देते। भाई देखो आज के मैच में भाई प्लेयर के बारे में जाओ, भाई देखो ऋतुराज बोलूंगा, ऋतुराज गायकवाड़ भाई बढ़िया मोस्ट स्पीकर टाइमिंग का प्लेयर है, छक्का चौका मारता रहता है और भाई बोलूंगा रिस्क नहीं लेता, अगर ये रिस्क नहीं लेगा तो हमको भी रिस्क नहीं देगा, हम पैसे आसानी से कमा लेंगे, इसे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, सेशन आएगा ना यस होगा तो भाई अब ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, इतना बता रहा हूँ। अब इधर देखो भाई रचिन रविंद ऐसा प्लेयर आते ही मिसस्टैंडिंग प्लेयर मतलब छक्के चौके मारना स्टार्ट कर देते हैं, छक्के चौके ज्यादा मारने वाले प्लेयर क्या करते हैं अपने विकेट या तो जल्दी दे देंगे अगर यार नहीं तो भाई 10 और 5 बॉल अगर खेल गए तो भाई इनकी भाई समझ लो आज रन का बौछार करने वाले, इतना जान लो। अब देखो भाई अजिंक्य रहाणे बोलूंगा बढ़िया जिम्मेदारी वाला प्लेयर, लेकिन भाई ये बंदा थोड़ा डिसमिस चल रहा है, लेकिन पिछले मैच में बंदे ने रन बनाया ये भी बढ़िया मोस्ट स्पीकर। शिवम दुबे को जाना ही जाता है भाई, जाइए रन को मारिए बल्ला चलाइए बस, ठीक है, तो ऐसे प्लेयर कभी तो आउट होंगे, अगर नहीं आउट हो तो रन का बारिश कर देंगे, ठीक है। अब इधर देख लो किसके बारे में, रविंद्र जडेजा भाई आपको दोनों तरफ से बैकअप देगा, ठीक है, अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो रविंद्र जडेजा के साथ जाना, भाई रविंद्र जडेजा क्या करेगा भाई ऑलराउंडर, एक तो आपको बॉलिंग से पॉइंट देगा और उसकी बैटिंग भी भाई छठवे या फिर पचे नंबर पे बैटिंग करने आ जाते, कौन हमारे रविंद्र जडेजा। इधर देखो भाई डेरी मिचेल तो भाई बढ़िया ऐसा कुछ फॉर्म रहा नहीं, इधर देख लो एम एस धोनी, मोइन अली, दीपक चाहर, अभी इधर देखो टी देशपांडे, एम तिक्षा, ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, सीएसके प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में हमने आपको थोड़ा टिप दे दिया। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, केकेआर के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। चलो भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में, भाई देखो केकेआर की प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में जान लो। प्लेइंग 11 भाई देखो फिलिप साल, सुनील नारायण, ए राघुवंशी, अंद्रा रसल, फिर श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह तो भाई आप जान लो इसके बारे में। भाई देखो रिंकू सिंह के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, रिंकू सिंह और भाई देखो फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है तो क्या करता है धीरे धीरे मतलब सिंगल डबल से खेलता है, अगर रिंकू सिंह यही मान लो दूसरे इनिंग में अगर बैटिंग करने आ जाता तो भाई छक्के और चौके से केवल बात करता है, ठीक है, इतना जान लो। अभी इधर देख लो भाई वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, एम स्टार, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ये हमने आपको बता दिया केकेआर के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में, ठीक है। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, प्लेयर के बारे में। भाई देखो फिलिप साल बोलूंगा ऐसा मिस स्टैंडिंग प्लेयर, अगर भाई ये रुक गया तो भाई रन की मतलब हर ओवर में आपके चौके छक्के देखने को मिल गए, लेकिन भाई अगर इसको आउट होने रहेगा तो चला जाएगा, लेकिन बढ़िया टाइमिंग से बंदा मारता है, इतना जानना, ठीक है, इसको फिलिप साल को जानना टाइमिंग से। अभी देखो सुनील नारायण, भाई ये सुनील नारायण भाई क्या बोलते हैं दिमागहीन है, अगर भाई चल गया ठीक, अगर
पांच से ये दस बॉल खेल गया तो भाई इसको क्या बोलते रन का मशीन बोला जाता है। सुनील नारायण को टिक गया तो भाई रन को ताबड़ तोड़ मारेगा, अगर नहीं टिका तो भाई आउट होकर तुरंत चला जाएगा, जीरो पे एक पे कभी भी चल जाएगा। अभी देख लो भाई ए राघवन बढ़िया मोस्ट पिक आ रहे हैं, बढ़िया से जलवा बना रहे, सिंगल डबल ले खेले तो बढ़िया मोस्ट पिक। इधर देख लो भाई अंद्रा रसेल, भाई अंद्रा रसेल बोलूंगा भाई मोस्ट पिक है भाई, ये ऑलराउंडर है, इस समय भाई प्रॉपर अपने कभी भी भाई देखोगे तो दो से तीन ओवर अपनी पूरी डाल रहा है अंद्रा रसेल, ठीक है इतना मेंटेन है। अभी इधर देख लो भाई श्रेयस अय्यर बोलूंगा मोस्ट पिक, मस्ती के ये भी रहने वाले, लेकिन अभी तक कोई बड़ी इनिंग ऐसी नहीं है तो उम्मीद करना, लेकिन उम्मीद करना कि इसमें आ जाएगी। इधर देखो भाई रिंकू सिंह मोस्ट स्टैंडिंग है। अभी इधर देख लो भाई वेंकटेश अय्यर भी ताबड़ तोड़ है, 50-60 रन तो ठोक चुके हैं, फॉर्म में मतलब आ गए हैं, इनका भी मैच देखने लायक है। अभी इधर देख लो रमनदीप सिंह हम स्टार दो भाई बोलेंगे क्या ही बंदे को क्या समझ लो, पैसा नुकसान है 22 करोड़, मतलब भाई चलो कोई बात नहीं, मिचेल स्टार्ट हो सकता है कि अपनी पूरे लय वापस लाए, ठीक है ताबड़तोड़ बॉलिंग करे। अभी देखो हर्षित राणा और अरुण चक्रवर्ती, ये हमने आपको बता दिया केकेआर की प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में। देखो भाई अगर आप पिच रिपोर्ट जानते हो तो भाई सब खेल पिच का है, पिच रिपोर्ट जान जाओगे तो आप अच्छी टीम बनाओगे, अच्छे से पैसे कमाओगे। तो चलो भाई सबसे पहले जान लेते किसके बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में। अब जान लेते किसके बारे में भाई, देखो पिच रिपोर्ट के बारे में। भाई देखो पिच रिपोर्ट, भाई अभी इस पिच पर टोटल मैच भाई देखो एन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अभी तक टोटल में, मतलब भाई देखो पिच रिपोर्ट के बारे में जान लो भाई। देखो ये पिच रिपोर्ट कहाँ, एन चिन्ना स्वामी मतलब चेन्नई सुपर के घर पे खेला जाए, ठीक है होम ग्राउंड पर। देखो भाई पिच का क्या कंडीशन है, भाई देखो यह पिच धीमा माना जाता है, जिस ये पिच क्या माना जाता है धीमा माना जाता है, इस पिच पर स्पिनर्स का दबदबा रहता है, मतलब धीमा। अभी बताता हूँ, बस वीडियो में बने रहो भाई। देखो इस पिच पर बल्लेबाज को शुरू से इस पिच पर बल्लेबाज को शुरू से गेम में बड़ा, देखो भाई यह पिच क्या होता है, यह इस पिच पर बल्लेबाज शुरू से मतलब गेम मतलब जो इस पिच पर धीरा खेलता है, देखो भाई क्या लिखा हूँ थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ मैं। देखो इस पिच पर जो बल्लेबाज शुरू से गेम हुआ बड़ा इसको, भाई देखो यह पिच शुरू से जो गेम धीमा खेला वह बड़ा स्कोर कर सकता है, ठीक है अभी समझाता हूँ अच्छे से। अभी इधर देख लो किसके बारे में, यह पिच काफी पिचों के कंपेयर में बड़ा पिच है, क्या पिच है बड़ा पिच है, ठीक है। अब इधर देख लो इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती, भाई चलो अब मैं समझाता हूँ शुद्ध और हिंदी में, अगर कहीं गड़बड़ा जाता हूँ तो भाई माफ करना। चलो भाई अब समझो, भाई देखो यह पिच क्या है, भाई देखो धीमा पिच है, यह पिच क्या है धीमा पिच है, यह पिच क्या है स्पिनर्स को काफी मदद करता है, ठीक है भाई। धीमा पिच का मतलब ये है, देखो भाई ये पिच क्या है पहले ये समझो भाई, देखो ये पिच जो है कंपेयर में बड़ा, भाई देखो बड़ा रहेगा तो स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि भाई देखो ये पिच जो है बड़ा, स्पिनर जो बॉल फेंकेगा अगर कोई बल्लेबाज बॉल को मारेगा, और पिच भी धीमा है, मतलब कभी बॉल एकदम दब के आती कभी उठ के आएगी, एकदम मतलब पिच ऐसा कंडीशन है कि बल्लेबाज डिस्टर्ब रहते हैं, छक्के चौके मार दे तो बॉल हवे में टंगती है, क्योंकि भाई बड़ी पिच है तो कैच भी स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलने की संभावना है, ठीक है। अभी इधर देख लो इस पिच पर जो बल्लेबाज शुरू से मतलब धीमा खेला, मतलब धीमा खेला तो खेल गया वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। फिर इधर देख लो इस पिच पर जो इधर देखो तीसरी लाइन में यह पिच काफी कंपेयर के पिच में, यह पिच बड़ा पिच है, ठीक है। अब इधर देख लो भाई इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करती, बल्लेबाजी करना पसंद करती, क्योंकि भाई इस पिच पर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना कठिन काम माना जाता है, ठीक है यही समझना, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में बताया। अब भाई तुम हमसे पूछोगे जो ये पिच अभी तक इस पिच पर टोटल आईपीएल कितने मैच खेले गए, कौन कितनी बार मैच को जीत दर्ज किया, कौन कितनी बार मैच को हारा हुआ, तो चलो भाई सबसे पहले अब जान लेते किसके बारे में, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। भाई अब जान लेते किसके बारे में, भाई देखो स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, भाई देखो जो एन चिन्ना स्वामी का जो पिच अभी तक उस पिच में भाई आईपीएल के भाई कितने आईपीएल के मैच खेले गए, भाई देखो टोटल मैच कितने खेले गए, टोटल 6 मैच खेले गए, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ऑन करने वाली टीम ने मैच को 5 बार जीत दर्ज किया, वहीं पे देखोगे भाई बॉलिंग फर्स्ट ऑन करने वाली टीम ने मैच को 1 बार, तो भाई जमीन आसमान का अंतर है। भाई देखो बैटिंग वाले पिच ने भाई 4 बार मैच को ज्यादा जीत दर्ज किया हुआ, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है बैटिंग वालों ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। अब इधर देखो भाई फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, भाई आप ये उम्मीद करना है कि भाई 20 ओवर में कितने रन बन सकते हो, भाई मैं बोलूंगा 150 रन लगभग मान के चलना, लेकिन अगर 150 और 160 के बीच में अगर कोई भी सेशन आपको दिख गया 20 ओवर में दिख गया तो भाई आप सेशन क्या मार देना, यस मार के पैसे कमा लेना, ठीक है। अब इधर देख लो भाई 2 एंड इनिंग स्कोर, इस पिच पर भाई जो टीम दूसरे इनिंग में बैटिंग करने हो तो लगभग कितने रन का पीछा कर लेती है, तो भाई देखो 150 रन पहले इनिंग में बनते और दूसरे इनिंग में भाई 120 रन मतलब 30 रन से ये टीम जो होती है मैच को जीत जाती है, इतना मैं आपको बोलते क्या बोलते एक वो बता रहा हूँ, ठीक है समझ लेना, ठीक है। अभी इधर देखो हाईएस्ट टोटल स्कोर,
इस पिच पर 6 मैच खेलेगा जिसमें से एक मैच सबसे क्या रहा, सबसे हाईएस्ट रहे कितने भाई, देखो हाईएस्ट टोटल स्कोर 182 रन पे 4 विकेट रहे, ये हमने आपको बता दिया। अब देखो भाई लोवेस्ट टोटल स्कोर 80 रन पे 10 विकेट, ये भी हमने आपको बता दिया। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। देखो भाई अगर आप हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड जान जाओगे तो इससे ये पता चलेगा कि भाई कौन सी टीम मजबूत और कौन सी टीम कमजोर है। तो चलो भाई सबसे पहले जान लेते हैं हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। अब जान लेते हैं किसके बारे में भाई, देखो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। भाई देखो अभी तक सीएसके ने केकेआर से कितने बार मैच को जीत दर्ज किया, 15 बार मैच को जीत दर्ज किया, ठीक है भाई। अब यहीं पे देखो भाई केकेआर ने मैच को सीएसके से कितने बार जीत दर्ज किया, 10 बार। तो इससे भाई क्या पता चलता है, सीएसके ने 5 बार ज्यादा वॉन किया, तो सीएसके मजबूत टीम है। नहीं भाई, जिस कंडीशन जिस फॉर्म में हमारी कोलकाता है, हमारी नहीं सबकी भाई, हमारी चेन्नई सबकी चेन्नई, मतलब जो मैं टीम के बारे में बताऊं, ठीक है भाई। देखो जो ये टीम कौन सा भाई, देखो केकेआर जो टीम है इस समय बहुत तगड़ी टीम हो गई, मतलब उसके प्लेयर बहुत फॉर्म में चल रहे। तो भाई देखो मैं आप लोग के लिए क्या लेके आया हूं, भाई देखो ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन लेके आया भाई। इंपॉर्टेंट है, समझ के सीख के जाना भाई। देखो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम है सुपर हैंड ओवर चेन्नई सुपर किंग्स, सो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर केकेआर। भाई देखो मैं इसमें ये लिखा हूँ, भाई देखो टीम बनाते समय क्या करना, भाई देखो टीम बनाते समय क्या करोगे, 7 vs 4 का कॉम्बिनेशन करोगे, ठीक है, जिसमें से ये आपके 4 प्लेयर रहेंगे किसके रहेंगे, सीएसके के रहेंगे और ये जो आपके 7 प्लेयर है किसके रहेंगे, ये हमारे रहेंगे केकेआर के, ठीक है, केकेआर के, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, बताया ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन के बारे में बता दिया। अब इधर देखो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में हमने आपको थोड़ा ज्ञान दे दिया। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में। अब जान लेते हैं किसके बारे में भाई, देखो किसके बारे में भाई, देखो सीएसके प्लेयर प्रेडिक्शन बैटर के बारे में जानो कि भाई किस बैटर के ऊपर आप 25 रन से यस करोगे, किस बैटर के ऊपर 25 रन से नॉट करोगे। इसके बारे में भाई देखो आज के मैच में रचिन रविंद्र आज के मैच में फर्स्ट इनिंग करे, सेकंड इनिंग आप दोनों इनिंग पेज पे आप 25 रन से यस मार सकते हो। अब इधर देखो भाई सीएम दुबे आज के मैच में, सीएम दुबे अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गए तो भाई आप 25 रन से क्या करोगे, यस मारोगे। अगर यही बाई चांस मान लो दूसरे इनिंग बैटिंग करते तो दूसरे इनिंग बैटिंग करके तो 25 रन से नॉट मारो, ठीक है। यही भी देखो मोइन अली अगर फर्स्ट सेकंड भाई दोनों इनिंग पर इनपे 25 रन से यस मार सकते हो मोइन अली पे, ठीक है। अभी जगह देखो बॉलर सीएसके का कौन सा बॉलर जो कि आज के मैच में आपको दो से तीन विकेट लिया था वो नजर आएगा, तो ये हमारे रहे कौन, मोइन अली आपको 2 से 3 विकेट लेते हुए नजर आएगा। ये हमने बताया सीएसके की प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, केकेआर के प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में जान लेते हैं किसके बारे में भाई, देखो किसके बारे में भाई, देखो केकेआर के भाई प्लेयर प्रेडिक्शन बैटर के बारे में जान लो, किसको 25 रन से यस करना है, किसको नो करना है। तो भाई देखो आज के मैं बोलूंगा अंदरा रसल फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, भाई आपको दोनों इनिंग में इस पे 25 रन से यस मारना अंदरा रसल पे। अभी देखो भाई सुनील नारायण आज की फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गया तो यस, अगर बाई चांस दूसरे इनिंग बैटिंग करते हैं तो भाई नो मारना किस पे 25 रन से किस पे सुनील नारायण। अभी देखो भाई सुनील सैयद आज को मैं बोलूंगा फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग आप दोनों इनिंग के 25 रन से यस मार देना, क्या मारना है, यस मारना, ठीक है। अभी देखो बॉलर कौन से क्या रहा, कौन सा बॉलर जो कि आज की मैच में आपसे 2 से 3 विकेट ले आता नजर आएगा, तो ये हमारे मिचेल स्टार्क, ठीक है, आपको 2 से 3 विकेट लेते हुए नजर आएंगे। आइए हमने आपको बता दिया किसके बारे में, केकेआर के बैटर मतलब प्रेडिक्शन दे दिया। आप भाई चलो जान लेते किसके बारे में, द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जान लेते किसके बारे में भाई, देखो द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भाई। देखो ये 5 प्लेयर मैं लेके आया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पहले अपने टीम में इन 5ों को रखना, ठीक है, पहले इन 5ों का नाम सुन लो भाई। देखो ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र जडेजा, अंदर रसल, श्रेयस अय्यर, भाई ये 5 मोस्ट पिक रहने। भाई देखो मैं बोलूंगा अगर आपको रिस्क लेने की याद है तो हर टाइम आप रिस्क लेते हो, तो भाई आप रिस्क किसके, ऋतुराज गायकवाड़ सामने रिस्क लेके कैप्टन करके चले जाना, कैप्टन बता रहा हूँ। अब देखो भाई अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो भाई मैं बोलूंगा रचिन रविंद्र को वाइस कैप्टन, मतलब कैप्टन ट्राई कर लेंगे, क्योंकि बंदा क्या है ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कराता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब इधर देख लो रविंद्र जडेजा भी मोस्ट पिक है, लेकिन भाई रसल, भाई मैं बोलूंगा मतलब आधा से ज्यादा लोग रसल को वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे। मैं तो बोलूंगा अगर आपको मतलब अच्छा मतलब क्या बोलते हैं श्रेयस अय्यर आपको अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते दिख गए तो भाई आप इनको श्रेयस अय्यर को कैप्टन कर सकते हो, ठीक है, इनको हटा के। तो भाई मेरी ओपिनियन मानो मैं तो किसको करूंगा कैप्टन, किसको वाइस कैप्टन, भाई ऋतुराज गायकवाड़ को कर दूंगा कैप्टन, और वाइस कैप्टन कर दूंगा किसको, भाई रविंद्र जडेजा को, ठीक है। मैं ये हमने बताया था बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। अब भाई चलो जान लो टॉस कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा। तो भाई देखो टॉस, अब इधर देखो भाई मैच, भाई दोनों ही हमारे यहाँ पे केकेआर जीतने वाली है, ठीक है, दोनों ही केकेआर जीतने वाली। तो चलो भाई देख लो, हमने ये बता दिया। चलो भाई आज की वीडियो को रखते हैं, तब मिलते हैं फिर किसी नए मजेदार फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर।